विश्वनाथ जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। वाह, आपने तो स्वराज्य निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि और नरवीर तानाजी मालुसरे की बलिदान से पावन हुई कोंढाना किला और कोंढनपुर गांव की सारी जनता की ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका विश्वनाथ जी, आपने तो पूरा उसको फ्रेम करके बिल्कुल सामने रख दिया है। अब आपके हाथ में सनद आ गई है तो मैं आपके परिवार में आपके गांव के लोग भी तो खुश होते होंगे, सबको मिला होगा। हाँ जी, सबको अभी मिलने की प्रक्रिया शुरू है। कितने लोग हैं गांव में? 2002 लोग हैं हमारे गांव में। अच्छा, तो ये कितने दिन से काम चल रहा है? ये एक महीना हो गया काम चालू करके। हाँ। और एक महीने के अंदर हमको ये प्रॉपर्टी कार्ड हमारे हाथ में मिल गई है। तो सब लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रोन कैसे काम करता है, ये चूना लगाने के बाद कैसे पक्का हो जाता है और झगड़े भी नहीं होते हैं, विश्वास बनता है, कैसा होता है? हाँ सर, जब भी ये सर्वे करने वाली टीम हमारे गांव में आई थी, जब वो अपने साथ में ड्रोन कैमरा लेके आई थी और उन्होंने हवा में ड्रोन कैमरा लगा के हमारे गांव की तस्वीर खींची और स्क्रीन के ऊपर उन्होंने हमको हमारे गांव की तस्वीर दिखाई, तो ये पहली ही बार हुआ था कभी ड्रोन और तस्वीरें देखने का हमें अवसर नहीं मिला था, तो ये पहली बार मिला और अच्छा महसूस हुआ और हमको गर्व हुआ कि ये आपकी वजह से हमको ये साध्य हुआ है। और जो स्वामित्व की योजना कहीं, से कहीं ऐसा तो नहीं होता था ना विश्वनाथ जी की कोई अफसर कहता था नहीं चुना इधर लगा दो, चुना इधर लगा दो, उधर मत लगा दो, ऐसा तो नहीं होता था ना जी? नहीं, हमने हमारी जो जगह थी उधर ही चुना लगा के निर्धारित किया था। लेकिन कोई तो कहता है यार तूने मेरे यहाँ चुना लगा दिया, तुम जरा इधर जाओ, ऐसा नहीं हुआ कभी? झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कुछ झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो आप सबको संतोष है ये जिस प्रकार से काम हुआ है और कोई अफसर लोग नहीं, कोई दादागिरी नहीं, कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं, रिश्वत नहीं देनी पड़ी, फिर भी काम हो गया, संतोष है गांव वालों को? जी हाँ, संतोष है, बहुत संतोष है सर। देखिए विश्वनाथ जी, ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से सनद बनाने की जो ये प्रक्रिया है ये आधुनिक भी है और पारदर्शी भी है। जी हाँ, इससे न कोई भेदभाव है, न मेरा तेरा पराया रिश्तेदार, कुछ नहीं। अब जबकि पूरे गांव को ये कागजात मिल रहे हैं तो इससे आपके गांव में विकास का काम भी सुनियोजित तरीके से हो पाएगा। जी सर, गांव में पता है आपको भाई नाली बनानी है तो कहाँ बनानी है, रास्ता बनाना है तो कहाँ बनाना है, कोई शिकायत नहीं आएगी कि तुमने मेरी जमीन पर नाली बना दी, मेरी जमीन पर रास्ता बना दिए, झगड़े नहीं होंगे, तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। तो मेरी विश्वनाथ जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और छत्रपति शिवराय को भी प्रणाम। सर, हमारी एक रिक्वेस्ट है। जी बताइए। जो लोग गांवठान में जो लोग रहते हैं वो 50% गांवठान में रहते हैं और जिनकी आबादी बड़ी है वो लोग गांव के बाहर रहते हैं, तो उनको भी गांवठान की हद बढ़ा के गांवठान का दर्जा देने से उनको भी मदद मिल सकती है, उनका भी काम अच्छा चल सकता है। महाराष्ट्र सरकार को ये बात आपके पहुंचाऊंगा, आपकी इस भावना का धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। वाह वाह वाह।